खबर सोनभद्र से, जहां चौपन थाना क्षेत्र के डाला खदान में मछली मारने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की मौत हो गई। खदान में मछली मारते समय अचानक किशोर की तबीयत खराब हो गई, तो साथ मछली मार रहे हैं उसके साथी युवक को मौके पर छोड़ के फरार हो गए। युवक पेड़ के नीचे सोया था, राहगीरों ने इसकी सूचना परिजनों को दिया। जैसे ही परिवार के लोगों को हुई तो परिवार के लोग मौके पर जा पहुंचे और किशोर को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में किशोर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची डाला चौकी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार चौपन थाना क्षेत्र के एक बंद पड़ी खदान में मछली मारने गया किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डाला चौकी क्षेत्र के कोटा गाँव निवासी अजय कुमार दिनेश अपने करीब 4 साथियों के साथ मछली मारने के लिए डाला किसी खदान में गया हुआ था। उसके सभी साथी मछली मारने के बाद जब सभी घर जाने लगे तो मृतक ने अपने साथियों से कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं और पास में एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। वह पर मछली मारने गए सभी उसके साथी वहां से अपने घर चले गए। काफी देर होने के बाद अजय जब घर नहीं पहुंचा तो मृतक के परिजन खोजते हुए खदान के पास पहुंच गए। वहां पर पेड़ के नीचे किशोर को बेहोश की हालत में देख सभी का होश उड़ गया। परिवार के लोगों ने बेहोशी की हालत में किशोर को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक के चाचा का कहना कि मौत किन कारणों से हुई उसका पता अभी तक नहीं चल पाया। हाँ, किशोर जब घर में मछली मारने के लिए निकला था तो स्वस्थ था, वहीं अचानक न जाने उसे क्या हो गया। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ राजू चौधरी की रिपोर्ट। और सुरेश जी, कल आपके भतीजे को की मौत हो गई, कैसे हुई है और कहाँ पे मौत हुई है उसकी? ये जेपी सुपर के बगल में 4 नंबर खदान है, वहीं पे गए थे लड़के लोग, तीन लड़के लोग मछली मारने के लिए, और वहीं मछली मार के लड़के बाहर निकले, दो लड़के चले आए, वो बोले कि हमारा तबीयत सही नहीं है, पेड़ के नीचे फिर वो बैठा है, वो वहीं लेट गया, लड़के लोग छोड़ के चले आए। पता नहीं उसको कीड़ा काटा कि क्या काट दिया, कोई समझ नहीं आया। हम लोग घर से लेके हॉस्पिटल जा रहे थे तब तक उसका मौत हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है और तो ये तो हम तो नहीं थे घर पे, तो क्या बताएं कि कैसे क्या हुआ। लेकिन सुबह में लड़का अच्छा था और खेल कूद रहा था, बहना से साइकिल से चल रहा था, साइकिल से ही गया था। तो वो लोग धूप में मछली मार रहे थे या कहीं छांव वगैरह थी? नहीं, धूप में तो मार रहे थे मछली। तो ऐसा तो नहीं कि गर्मी वगैरह से इतनी तेज गर्मी पड़ रही है और उसके पानी वगैरह की समस्या या पानी न पीने के कारण धूप वगैरह मार दिया? लगने का कोई संभावना नहीं है क्योंकि वो पानी में ही थे, तो धूप कहाँ से लगेगा उसको। पानी से बाहर आए और पता नहीं वो बोला कि हमारा तबीयत सही नहीं है, नहीं लग रहा है, हम पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लें तब आएंगे। इतने में वो लड़का नहीं आया, 5 बज गया जब घर से गए तो देखे तो लड़का वहीं बेहोश पड़ा था।